हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इन हिंदी। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास भी सैमसंग का मोबाइल है तो आप उसमें पैटर्न लॉक कैसे लगा सकते हो, आइए जानते हैं। तो यहां पे मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है और मैं आपको बता दूं, इसमें अभी कोई भी लॉक नहीं लगा हुआ है, सिर्फ ऊपर की तरफ करना पड़ता है और ये ओपन हो जाता है। पर इसमें पैटर्न लॉक लगाने वाला हूँ मैं और आपको बताने वाला हूँ। तो पैटर्न लॉक लगाने के लिए सबसे पहले आपको मेन्यू बार में जाना है और ओपन कर लेनी है अपने मोबाइल की सेटिंग्स। तो मैं सेटिंग ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपके पास सेम टू सेम फीचर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी। तो आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सबसे ऊपर दिखाई दे सकता है स्क्रीन लॉक टाइप, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद अगर आपके पास फ़ोन में पैटर्न लॉक आता है तो डाल दीजिए, वरना अगर आप फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं तो लास्ट वाले ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। तो मैं पैटर्न लॉक लगाने वाला हूँ। मैं दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, पैटर्न पे। फिर यह पूछेगा एक पैटर्न लॉक जो आप डालना चाहते हैं, तो मैं पैटर्न लॉक डाल देता हूँ ऐसे करके। फिर आपको नीचे कंटिन्यू दिखाई देगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना है और वही पैटर्न आपको दोबारा डालना है ताकि कन्फर्म कर सके। फिर आपको नीचे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एक बैकअप पिन डालना है ताकि अगर आप पैटर्न लॉक भूल जाते हैं तो आप उसे डाल सकें। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 2011। फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, फिर डाल दें 2011, फिर ओके पे क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पे आप डन कर दीजिए नीचे की साइड पे। डन करने के बाद तो फिर आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद अगर पैटर्न लॉक लग चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं पावर ऑफ करता हूँ और यहाँ पे इसे ऑन करते हैं। तो ऊपर की तरफ करेंगे तो यहाँ पैटर्न लॉक मांग रहा है, तो हम पैटर्न लॉक डाल देते हैं। और डालने के बाद आप देख सकते हैं कि ओपन हो चुका है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।